जब पितर जन्म पवन सन पाया चिंता मन एक मनुख नए मन गोविंद हम शिव प्रदी किसकी पाओ बहुत नहीं शादी कच्चो कंचन करो शब्द को सरना सुनो बिखते अमृतो नाम सब गुरुमुख बनो कृपा प्रीतम प्रभु मेरे
कृपाधान प्रीतम ब्रह्मे ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ
कई ऐसे बूटे होते जो 12 महीने फल देते हैं, पर एक वक्त ऐसा होगा एक बार वो बूटा बिल्कुल खाली हो जाता है। बड़े दुनिया के ऐसे बूटे ने नींबू वाला ऐसा बूटा जो कई दिन 12 महीने फल देता, पर एक वक्त ऐसा होगा जब नींबू के बूटे का एक भी नींबू नहीं लगा होगा। पर रब परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जिस बारे सानू ज्ञान पंत कबीर जी ने बख्शिश किया, कहते मनुख एक ऐसा बीज बीज जरा एक दो चार महीने नहीं 12 के 12 महीने शाम दिता तो फल भी दिता है। कबीर ऐसा बीज बोए, हे कबीर अजिहा बीज बीज 12 मास 12 महीने, मास का अर्थ महीना, 12 मास फलंग शीतल छाया, छाया का अर्थ है शाम। सर्दियों किसी बंदे को छां चाहिए क्यों जी? सर्दियों में बंदा धुप लगता, छां की जरूरत कदम होती पता? गर्मियों शायद बाबा कबीर जी ने भगत कबीर जी ने इस देश की गर्मी में बड़े ध्यान देखा होगा, किसान खेतों च काम करता हो, सियाल किसी रुख की लड़ पड़ती है, सियाल होता सब रुखा नुकसान देता, घर में भी दो रुख उन्हें बंदा कहना कि टाणियां ला दो ताकि दोबारा बसंत नवीं कुलबड़ियां फुटन दी, सियाल रेता जो रेता की टाणी कभी हरी भी हो गई भी लाने की कोशिश करता भी इस रुख में तुम देखना ताली सर्दियां जो आरंभ होंगे तो आम लोग छांगे जाते हैं क्योंकि बंद पता सर्दियों में मैं छां की जरूरत नहीं है, छां की जरूरत पड़ती गर्मियों। भगत कबीर जिन्हें इस देश की गर्मी में ध्यान में देखा होगा, इस देश की गर्मी में ध्यान में देखा भी जो बंदे धुप सुतौंदी हो गई धुप च बंदा विलकता हो गए तो भज के बंदा छां थले जाता है दरखत की, दरखत की छाएं बंदे को आसरा दिंदी है ठंड की, दो चीजा बंदे को दरखत थले मिलती हैं, एक छां हो गए जामुन का बूटा, एक छां मिलेगी दूजे बंदे को फल मिलेंगे अंब का बूटा हो गए, एक तेन ठंडी छां मिलनी दूजा उतो अंब चुप के दिया अपनी भुख मिटा सक, दो चीजा तो ही होनी है ना, एक शांति मिली एक गर्मी तो राहत मिली दूजी खुराक मिली। गुरबाणी में परमात्मा के नाम को एक दरखत का नाम दिता है, तरवर रूपी राम है, परमात्मा का नाम एक तरवर है दरखत है, फल रूपी बैराग, एदा जिहड़ा फल है बैराग, बैराग का हुंदा है प्रेम मुहब्बत नेड़ता। हुण भगत कबीर जी कहते हैं कबीर ऐसा बीज बोए अजिहा बीज बीज में सवाल पैदा हो गया साढ़े को बीज ही नहीं है, धरती में बीज बीजने वाले को दो चीजों का ख्याल रखना पैदा, बीज वधिया हो धरती भी वधिया हो रुख बड़ी ना भूमि हो, तीन चीजों का सुमेल चाहिए, बीज वधिया हो धरती वधिया हो रुख वधिया हो, बीज वधिया है धरती वधिया पर रुख फूमी नहीं उगे जाने, रुख बड़ी कमाल की है बीज बड़ा कमाल का है धरती वधिया नहीं ता भी नहीं उगेगा, धरती बड़ी कमाल की है रुख बड़ी कमाल की है पर बीज माड़ा है ता भी नहीं उगेगा। गुरबाणी में बीज की गल की गई, माफ करना साढ़े को बीज ने सतगुरु पुछिए महाराज को बीज कहड़ा असुनना हो महाराज की कहने ने अमल कर धरती, एक भी गल जो तुम्हारे बाणी तो बाहर लगे तुम रोक सकते हो, हर गल का जवाब सतगुरु की बाणी च है, अमल कर धरती, अमल अर्थ की होता है जी, कोई बंदा अमली हो गया आप कहने इन अमल लगा हो रहा एक नशई है ये नशेदार भी है भाव जरा अमल तो बिना गुजारा ही लगता हो गया, ये अमल का अर्थ है उच्चा आचरण, जिस बंदे का उच्चे आचरण तो बिना गुजारा ही ना होता हो, जिसका सत संतोख दया धर्म धीन तो बिना सरदा ही ना, जिवे अमली का अमल तो बिना गुजारा नहीं इस तरह चंगे बंदे का चंगे आचरण तो बिना गुजारा नहीं। गुरु जी कहते अमल कर धरती, अपने करैक्टर नूं धरती बना, आचरण आचरण की है लोगों का व्यहार, जे तू कवि है
तेन पत्नी प्रति अपनी जिम्मेवारियों का पता हो गए, तेन अपने बच्चों प्रति बाप जिम्मेवारियों का पता हो गए। जे तू पत्नी है तेन एक पति दिया की जिम्मेवारियां ने घर पता हो गए कि हम सवारना सोने कपड़े पा लेने घूम चला जाना यह जिम्मेवारियां नहीं। मजदारा मकान मजदूर बनाते हैं, मकान कि बनता जी इटा बजरी सरिया सीमेंट लक्कर आदि इकट्ठा किया जाओ तो की बनता मकान, इन कहते मकान मकान बन गया। मकान बनने वास्ते रेता की जरूरत है, सरिए की जरूरत है, बजरी की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, लकड़ की जरूरत है, बिजली के समान की जरूरत है जी। मकान बन गया, दुनिया के मकान बेअंत ने पर घर कावे कावे ने। घर कि बनता है प्यार नाल, मुहब्बत नाल, आचरण नाल, चंगे विहार नाल। जिस घर विच बंदा लखां दा परजाई भी हो गए ते घर आन वड़े उन्हों पत्नी प्यार ना बुलावे, बच्चे आके गोद विच बैठन मां उड़ीक रही होवे, बापू दा हाल चाल पुछया जांदा होवे, बंदा सोचदा भावें लखां दा परजाई हां पर मेरा घर विच बड़ा ही प्यार है, मेरा घर स्वर्ग है। मकान बड़ा महंगा होवे बंदा बहुत खपिया तपिया कलपे आवे, कारण जन मां पत्नी ना लग रही होवे उन्हें मेरे दे रही होवे, कच बाप कहता होवे सानू किस बिकटां नू फड़ा दिता है तू विआह करा के। बंदा कहता मकान तो बड़ा महंगा है, काश कितने घर विच रहण वाले नू तुसीं घर ही बना लैंदे। मकान के दुनिया तो बहुत ने, सारे मकान ने पर घर टावे टावे ने। जिन्हें भी ज्योतिषियों को तुरे फिरते हैं सारे मकान वाले तुरे फिरते हैं, घर वाले को ज्योतिषी को जाने की जरूरत नहीं। घर वाले ने तो गुरु ग्रंथ साहब को पूछ के अपने घर में सोने विचार पैदा कर लिया, समय ख्याल पैदा कर लिया, प्यार मुहब्बत दी गल्लां कीतियां, एक दूजे दी भावनावां का सत्कार किया। तां गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं अमल कर धरती अपने उच्चे आचरण उच्चे किरदार उच्चे करैक्टर धरती बना, तो धरती में बीज प्रफुल्लित होता है। तो जे आ धरती माड़ी होगी तो बीज किवें प्रफुल्लित होगा, जे तेरा आचरण ही माड़ा होगा, तेरा लोगों का विहार ही माड़ा होगा, तेरा लोगों का बोलचाल ही माड़ा होगा, लोगों का लैन देन ही माड़ा होगा, तो फिर भलिया धरती से माड़ी है ना। तो आचरण से धरती है अमृतकार धरती महाराज, उच्चा आचरण उच्चा करदार उच्चा करैक्टर यह भी करती है बीज पर लिया। अमल कर धरती बीज शब्दों का कबीर ऐसा बीज बोए, अमल कर धरती बीज शब्दों का शब्द का बीज पा। शब्द मैंने की है उपदेश सिखिया, गुरु के उपदेश का बीज अपने करैक्टर रूपी धरती च पा। अज की हो रहा जी, साढ़े को बीज तो है, किसी को बीज है धरती वधिया नहीं, किसी को बीज है धरती का नामो निशान नहीं। धरती मैंने लोगों का विहार चला भी राम राम बहुत करता, अल्लाह अल्लाह बहुत करता, पाठ बहुत करता है, पर जी दुकान को एक बार समान लगता मुझे उस दुकान पर जाते ही नहीं, विहार बड़ा माड़ा है। अपने किसी को पैसे लेने हो यह चेता है पर देने दुनिया के ने, एक विहार देखो किसी बंदे ने किसी को पैसे लाए हो चढ़ाई कर लेना तो बंदा बंदा जा रहा चंगा होया मर गया जी, मैं 2 लाख रुपया देना सी हूं जाके दसेगा वे बच्चा पत्नी दसेगा कि तुहाडे बाप का 2 लाख मैं देना है। पाठ बड़ा कर रहा, कई सुनू पाठ कर करके उन्हें बिरद कर देते, किन्ना कीर्तन सुनिया किन्नी कथा सुन, विहार किन्ना माड़ा है किन्ना विहार माड़ा है। चंगा हुंदा बच्चों को जाना बचे हो तुहानू नहीं पता कि तुहाडे बाप को मैं 2 लाख रुपया लिया सी, पर मैं अपनी ईमानदारी करके वो पैसे तुहानू देना चाहुंदा। बच्चे की सारी जिंदगी सोचेंगे ना कि वधिया इंसान अज मर गया ना करदार दुनिया, वो करैक्टर लगता
बंदा चाहता सवेर निकला अपने घरों के घर जाद्या तक कुछ ना कुछ घर लैके ही जावा इधरों लै जा इधरों लै जा कुछ ना कुछ घर उत्तों कुछ ना कुछ मैं प्राप्त हो ही जाए बीज वधिया नहीं धरती वधिया नहीं सतगुरु जी कहते अमल कर धरती बीज शब्द कर गुरु की सिख्या इस उपदेश शब्द को अपनी इस तरक्त रूपी धरती से बीज तो बीज में प्रफुल धोने भागों वाले पानी भी चाहिए पानी कहना जी अमल कर धरती बीज शब्द कर सच किया आप कहते हैं वैसे पानी को सिमरन तो वैसे परमेश्वर के गुणा की सुंदरता तो कह लगे जी खूबसूरती पैदा हुई है ये पानी इस बीज नू दे भाव तेरे अंदर कर्म खंड की बाणी जोर तेरे अंदर निखार आ सके जो बंदा चंगे कम करता ना निखार आता जीवन चुन अचार वाल रोटी खा के ना रस आता है कभी देखना ही नशा है मनुख चंगा काम करके घर जाए ना एक नशा है मैं कई बार देखा बंदा अद्धी रात एक निकी जी उदाहरण देने लगा ध्यान न सुनना अद्धी रात बंदा अपने घर ए सी चल रहा है एक दम घबरा उठ रहा है ट्रेनिंग आई ने तम ला गया पसीना टक रहा है बड़ा डरावना सपना देखे तकनी उठी है की गल है जी कहना पता नहीं नींद नहीं आ रही घबराहट हो रही है बड़ी गर्मी लग रही है कमाल की गल एसी के भी टेंपरेचर इतने भी तेन गर्मी लग रही है पसीना तो आ रहा है तो मैं सोचना वह कल्या जिन्हें बच्चों के मुंह च रोटी खो के अपने बच्चों को अच खवाई लेना उन्हें भुखिया नींद नहीं आ रही भुखे बंदे को रात में नींद नहीं आती जे अब भुखे नहीं ना सौ रहा है वह करते हो गए बाप ना गलना बाप साडा हक तेन खवा रहा है मां जी असी रोटी खानी सी साडे कोल कौन खो के बह गया एक बंदे ने दूजिया के बच्चों के मूह च खो के अपने के मूह च पा दी जे उन्हें भुखिया नींद गर्मी च नहीं ना आ रही आने तेन एसी के नहीं क्योंकि तू दूजिया का हक अपने घर लैके आ गया है विहार माड़ा है किरदार माड़ा है आचरण रहनी बहनी माड़ी है गुरबाणी कोई दसवें सतवें आकाश दी गल नहीं करती गुरबाणी प्रैक्टिकल जीवन की गल करती है कि प्रैक्टिकल जीवन तू कि जूना है किवें तेरा लोगों विहार हो कि जिंदगी जूनी है फिर दुनिया के पागा वाले ठगियां बेईमानियां अदालत पुलिस मुकदमे सारे खत्म हो जाएंगे जितने मनुख को सदाचारी जीवन जूना आ गया अमल कर धरती बीज शब्द कर सच किया पानी सच्चाई का लिप पानी दे चंगे गुणा नित कठा कर होए करसाना सोना जा करसान वा होए करसाना ईमान जमाए लै ईमान कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा कहते भरोसे श्रद्धा कहते यकीन होए करसाना ईमान जमाए लै बिस्क दोष के मूड़े स्वर्ग है जे करदार करंट नीवा हो बंदे वास्ते नरक है दुजक है संगत ने बड़े प्यारे ख्याल दिए ऐ वतन चकड़ो साढ़े इस शरीर में ऐबां का चिकड़ है ख्यालों का चिकड़ है वकार का बार चिकड़ पसंद नहीं ना सानू सा बच्चा पैर चिकड़ न लेड़ के आ पैर आ जाए घर किसी के पैर ना कई ने ऐसा सिस्टम बनाया होंगे जूड़ा नहीं अंदर जान होंगे वधिया गल है घर साफ सुथरा चाहिए भी बाहर की मिट्टी अंदर ना आ जाए बाहर की गंदगी अंदर ना आ जाए पैर गंदे अंदर ना हो कपड़े ना खराब हो चादर ना खराब हो वधिया गल है भलिया जिन्ना अपने इटा के घर बनाने वक्त इन्ना सुचेत है कि बाहर की गंदगी ना आ जाए कभी अपने हिरदे बारे भी सोचे हैं छोटे चिकड़ ही सौना रात में चिकड़े तेरा टबर पलता पे ऐ बेटा न चिकड़ो
ऐबा का जिक्र है, बुरिया ख्याल का जिक्र है, तेरी अपनी सस बारे चंगे विचार ने, तेरे अपनी पत्नी बारे चंगे विचार ने, तेरे अपने भरा बारे चंगे विचार ने, तेरे अंदर शुभ गुण ने, माड़िया विचार तेरे अंदर हर दिन जन्म लेंदिया ने। ऐ देवता नची पूरा हो, ए मन मेंढक को, ए मन मेंढक है, ते मेंढक रहिंदा चिकट विच है, ओ ते कमल खोल गया हो, ते कमल खोल दी सार थोड़ा डड्डू नूं। ऐ देवता नची पूरा हो, ए मन मेंढक को, कमल की सार नहीं मुल पाई, कमल की सार नहीं है इस मेंढक नूं। मेंढक कौन है जी? मन और उस्ताद गुरु पवा है, जिला उस्ताद सन सिक्ख्या दिता हो, मना तेरे अंदर कमल खुल खिड़िया होया, जो तो सुगंधी का आनंद मान, वह डू तेरे अंदर कमल खुल खिड़िया होया है, तो रस मान पौर उस्ताद ने तो पाखिया बोले क्यों बुझे जाना बुझाई, बुझना ही नहीं चाहता, बुझ कि सकेगा, आखन सुनना मेरे वास्ते आखना भी सुनना, पता की है पौर की बाणी, हवा है, हवा इधर आती है इधर चली जाती है। कहते एक राजे का दरबार लगिया हुआ है, एक बंदा तीन किस्म दियां मूर्तियां बना के लै आया, ध्यान में सुनना गल जी, तीन किस्म दियां मूर्तियां बना के लै आया ते लिया के उन्हें राजे के दरबार में रख दित्तियां, रखदिया सार उन्हें एक गल के राजन मैं अपने वालों तुहाडे दरबार विच मूल मंगिया इनाम देवांगा, इन मूर्तियों विचों कोई फर्क लग जाए, सवेर तो लैके शाम तक वेखण वाले मूर्तियों वेखते हैं, तन वेखते हैं, उन्हों का आकार वेखते हैं, किसी को फर्क ना लगता। एक सियाना सूझवान दूर देशी बंदा विच बैठा सी, कहिंदा राजन मैं फर्क लभ सकदा पर एक बेनती है, मैं ना तिन्हां मूर्तियां नूं घर ले जाना चाहुंदा। कहिंदे जी इजाजत है कर सकदे हो। तिन्हां मूर्तियां नूं चुकवाया गया, घर खड़िया बौद्धर का टीला लिया, उन्हें वेखिया बाहरों ते फर्क कोई नहीं, जरूर बनाउण वाले ने ना मूर्तियां दे विच अंदर कोई फर्क पाया होगा, बौद्धर का टीला लैके उन्हें तन विच पाया, ते उह बौद्धर का टीला दूसरे कान दे विचों भी लंघ गया, दूसरे कान विचों भी गुजर गया, दूसरी मूर्ति दे कान च तीला पाया ते मूंह थन जान के निकल गया, अगले कान थन जा के नहीं निकले, तीसरी मूर्ति दे कान में तीला पाया ते सीधा ब्रेन नूं गया, दिमाग वल नूं गया। बड़ा सियाणा सी, चुकवा के मूर्ति राजे दे दरबार विच लै आया, राजा कहिंदा भी फर्क लगा, कहिंदे हां जी लगा, कहिंदे किन्ना, कहिंदे जी जमीन ते आसमान दे विच सारे आराम की फर्क तो कोई लगता नहीं, यह सिर भरिया होना, इन्हें कोई भुलेखा लग गया होना। कहते जी की फर्क है? कहते जी तीन मूर्तियां नहीं, तीन किस्म के इंसान दुनिया के जो रेंदे ने उन्हां दा नक्शा इस मूर्तियां बनाने वाले ने चितरिया है। कहते जी किवें? कहते मैं पहली मूर्ति के कान जो तीला पाया तो अगले कान थान जाके निकलिया, यह भी संकेत है, यह संकेत यह है, कई बंदे कान थान गल सुनते हैं, मूह नाल बोलन की कोशिश भी नहीं करते, दूजे कान थाने उठे नाव नाल कढ़ी जाते घर नहीं खड़े। दूसरी मूर्ति के कान तीला पाया तो मूह थन निकलिया, वह दूसरी किस्म का इंसान होना, थोड़ी जी मेहनत करता इतों लै जाता गल चो के चंगी बाहर जाके बोल दिता, शराब पीने वाला आता इन्हों का दिक्कत नहीं है जी बोलना, सुन ली उदा मूह था नहीं बोल के कर रही, सुनी करना है तो उत्ते नहीं करी, विचार नहीं की, विचार मंडल में जिन बन जाते सिर्फ सुरत सोच कर भांड साल तेसरी तेसन रख उठे नहीं करी, विचार मंडल च नहीं विचारी भी इस मेरा फायदा नुकसान भी है, ये चो इन्हों की मिलना, उन्हें मूह थाने बार कर दी है, कम थान सुनी मूह थाने बोल के बार कर एने काम लेना जरूरी है जी। तीसरा कौन है? जिन्हें सुनी है एक बार दिमाग च उन्हें घुमाया, जिन शराब छकूंगा ये प्रचारक का की लाभ है, गुरमुख का भाई का की लाभ है, लाभ तो मेरे बच्चों होना है, मैं शौक की रोज पी जाऊंगा,
मैं 100 रुपया बचावगा, बच्चे फ्रूट लैके जावगा, अज मेरे बच्चे कुमारे स्कूल पढ़ते हैं, यह पैसा जमा करांगा, मैं चंगे स्कूल की फीस तार सकता, चंगिया वर्दियां लैके दे सकता, मेरे बच्चे के कपड़े पाते हुए चंगे कपड़े बना के दे सकता, मैं अपने बच्चों वास्ते चंगिया वस्तुओं का प्रबंध कर सकता, मैं कला की करना कि इन्होंने भी पैदा फायदे के मेरे की गल करके गए तीन किस्म के इंसान ने इन्होंने तिना चो के वादिया जी क्यों जी क्यों जी तेन कौन वादी है जिन्हें विचार करनी चाहिए है ना असं त्याग चले जाना थोड़े पिंड कल फिर सही फिर जल चुनदिया के मेले कितने दम होया तो आदमी दोबारा कितने समा बनिया थोड़े पाने है पर एक बेनती है असं कोई अपनी गल नहीं कहना असं दस आए हैं अपने घर विचार आओ इस दिनों विचार सुरत मंडल में लैके जाओ ऐसे दरख्त ना करो जरा 12 महीने फल देता है कबीर ऐसा बीज बोए कबीर ऐसा बीज बोए वो बीज बीज 12 मास फलन तो फोटो दिया पूजा ना कर मूर्तियों के अगे मथे ना टेक एवं जाके कबर से जागरण ना चला वो बीज बीज जिस बीज का एक बहुत सोहना दरख्त बनेगा उस दरख्त में सोने सोने फल लगेंगे वो फल तू खाएगा तेन टिकाव मिलेगा तेन शांति मिलेगी तेरे घर सौपन आएगा कबीर ऐसा बीज बो 12 मास फलन शीतल छाया शीतल का अर्थ है ठंडी ठंड छाया का अर्थ है आसरा छां आसरा होती है ना सर्दियों छां की जरूरत नहीं पड़ी सर्दियों कोई छाए छावे जाके बहुत सर्दियों में धुप चाहती है तब तो गर्मी की तरस पी हो बंदा छां लगता है जब बुकारा की तरस पी हो बुकारा च बंदा सड़िया हो जियो तबक है बारो बार तब तक थोड़े बहुत बुकार के अंदर रिझिया हो उदो तेन शांति इस दरखत तो बिना होर कि नहीं जो चंदर भी पाला ताबा पाला मुंदरी पाला ट्वीट पाला भज वाले पास भाई गुरदास ने कुछ लफ्ज कह भज वाले पास कुछ नहीं पढ़ना तीन उदाहरण दिखाई सरकार जो भाई गुरदास ने ग्वाला गां चल लगा उन्हें मच्छे का रस्सा खोलिया काली काली भूख जो लगी सी वर्षा बच के जाके दूजी गां के थले पै गया क्यों जी दुध मिलेगा तू क्यों जी दूजी गां के थले जो पै गया दुध मिलेगा की मिलेगा तू बोलो जी लगा गुरु ग्रंथ साहब छड़ के पासे जाने वाले और लता के खा के आशा होर कुछ नहीं बनना लता ही कहती है कोई कहता मेरी धी बचाओ जी बाबा घेरी बैठा है कोई कहना मेरी जमीन घेरी बैठा है बाबा कोई कहना मेरी दुकान है घेरी बैठा बाबा कोई कुछ लता ही है ना हम खाई जाओ वकील को लता पता है कटे खाई जाओ जैसे बसरा बिशर परत आए गाय खाना जिन्हें तो बच्चा जब चोन लगा डाला तो बच्चे के गाल चुन रस्सा खोलिया पच के जाके भुख तो लगी सी इन्हें नहीं वेखिया ही ना भुख तो लगी सी इन्हें जाके दूजे गाँव के गले पै गया हम दुध से की मिला सी पटका के लग मार तो पिछा होकर सोचा लगा कहना खाई वो जी लगा नहीं मेरी मां वर्गिया होया कि गलाला खिच खिच रस्सा अपना करता दूजे गले जाके पै गया तेरी मां नहीं है सानू भी भलेखा पैदा ना सानू कोई गुरु गोबिंद सिंह का भलेखा पाँगा नहीं पाँगा कोई सानू पता गुरु गोबिंद असं गुरु गोबिंद सिंह के भुलेखे कोई गुरु मिले तो चले जा पै रहा मुक्त जाके भरे हुए कले हुए माफ करना कोई आप मार लैके जा रहा मुक्त जा रहा अपन धियां भैन परिवार तब जाके सब बाद अदालतों के धक्के खा रहा बंदा जैसे बसोड़ा बिशर पर बयान गाए खान दुग्न ना पान करे दुध पे मिलिया नहीं की मिलिया जी मारक है लात की लात वही ना जो बच्चे के भूते तो हम सेल के लगा मेला पिछले के भुख लगी सी कितने लता का के लाभ सुन लिया हम तो यहाँ तो लता खा के अकल आ जाती हम बच्चे ने तो बच्चा पता कहाँ गया दोबारा वो तो जान हो रहा है पर साढ़े कई बच्चे हैं ना लोग की टीम में एक ने को लता खा दिया दूजे को चले गए एक ने को लता खा दिया दूजे को चले गए पहले लते पहले जैसे बछड़ा बिशर पर तैयार गाय खान दुगत ना पाने वाले मार्ग है लाभ की दूसरी दाल जैसे मांस त्याग हंस आंसर जा हंस
मन सोलर साड़ी के किसी होर सोलर से चला जाए खात ना मुकता पान भुगत जबान उन्होंने खुराक मिलेगी उतो उन्होंने मुक्ति खाने में डेडिया मसियां दिखाईया कोई उन्होंने तो खुराक मिलनी कोई छपड़ा के जानता मीला पी लाभ है जाके हंस तेन अपनी खुराक त्यागनी पैनी देख जे तो उतो जाना चाहते खुराक दे खुराक तो छड़ कोई नहीं सकता इस करके तेन उतो खुराक मिलनी कोई इस करके तेरी शोभा नहीं होनी जैसे मानसर त्याग हंस आंसर जात खात ना मुक्ता फल भुगत जुगात की तीसरी बार जैसे राज द्वार तज जिवें तो राजे का नौकर राजे का सेवक जैसे राज द्वार तज आन द्वार जात जन जिवें जन आन द्वार किसी होर द्वारे पर चला जाता है कि उनका बहुत मान भंग राजा उसकी शोभा नहीं करता उसका मान भंग हो जाता कहते जे तू इन्ने साल होगा खा के इन्हें साल के नौकरी करके इन्हें कुछ खा के उसके वफादारी नहीं की वफादारी तू मेरे नहीं कर होत मान भंग मेहमान कौन बात की वो मेहमान नहीं होंगी वो बराबरी होंगी है कि तू राजे वफादारी नहीं की तैसे गुरसिख तैसे गुरसिख आन देव की शर्म जाए इसे तरह अपने आप में गुरु का सिख होने वाला वच्छे की तरह हंस की तरह उस राजे के सेव की तरह किसी होर के द्वारे से चला जाए तैसे गुरसिख आप देव की शरण जाए रहे ना पलत राग सतक ना पाप की यह गल ओरी इज्जत बढ़ाने वाली नहीं यह गल ओरी इज्जत घटाने वाली है फैसला साढ़े हाथ है कबीर ऐसा बीज बोए उस दरख्त में बीज उस बीज में बीज बारह मास फलन जरा बारह महीने फल दिता है शीतल छाया जी छां बड़ी ठंडी है गैर फल जो फल बड़े गंभीरता वाले ने बड़े तृप्त करने वाले ने गैर फल तो पंखी के पंछी कौन जी ज्ञान अंदरे तो जेडे दरखत दाणी हरिया होंगे ना जहां दरखत हरिया होंगे वो पंछी पर टोलना करते घर भी पाते जोड़ा घर आप ही बेचारा पत्तिया को बिना टाणिया तो बिना उसे आलना भी किसी ने की पाना पंछी ने उत्थे टोलना करते जोड़ा दर्द धारिया हो पत्ते हो पंखी के ग्रंथ ये ज्ञान हो पंछी फिर उस दरख के उत्ते टोलना करते हैं जिस बंद सच्चे दरख का आसरा लेना है एक बेनती करा गुरु अमरदास महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में कुछ दरख्तों का जिक्र किया है दरखत धरती से सारे उगते हैं पर जोड़ा दरखत धरती में जुड़िया रहा गुरमुख आख्या गुरमुख ब्रह्म हरिया वाला साचे सहज सुभाए शाखा तीन वालिया एक शब्द लिखलाए क्योंकि अमृत फल हर एक है आपे देखवाए दरखत दरखत की है एक ग्रंथ हो गया उन्हें धरती अपना संबंध जोड़ी लगे टाणिया हरिया पत्ते हरे बंदा वह आसरा लेता है वो छावे लेंद गुरमुख गुरु के सन्मुख रहने वाला ब्रह्म हरिया वाला वह हरे दरख्त न जुड़ के अपने आप के अंदर चंगिया विचार पैदा कर शाखा तीन वाली शाखा का अर्थ है तीन वह टाणिया रजो गुण तम गुण सत गुण यह स्वार्थी वृत्ति अपनी जीवन चुपर दी एक शब्द लाए एक आसरा टकिया एक दरख्त हो है वह भी उगया ही है तुम जिंदगी कई दरख्त वेखे होने खलोते खलोते सुक जाते हैं दरख्त वे हो जाते पर खलोते खलोते सुक जाते शब्द के बाणी उस दरख्त को मनमुख के तुलना दी मनमुख ऊके सुक गए मन के पिछे तुरन वाले उस दरख्त की तरह ने जरा खलोता खलोता दरख्त सुक गया मनमुख ऊके सुक गए ना फल ना छाओ जेड़ा दरख्त खलोता खलोता सुबिया ना उदो तो फल मिलया ना उदो छां मिली तिना पास ना बैसी है सतगुरु जी कहते मनमुख वो सुके रुक वर्गा जरा उगया जरूर पर धरती वालों कि आगे नाता टुट गया कहते तिना पास ना बैसी है तेरी सुके बोलते भी कोई छाने बैठा वो तो जरा आप बोलता कोई मैं आगे पानी पा दिया कहते तिना पास ना बैसीए घर ना गिराओ उन्होंने कोई बहन का कोई लाभ नहीं और किसी के काम मौजूद नहीं तुम देखना जो लगन का काम करते हैं जरा दरख्त खलो
ਪੱਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਭੁੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭੁਰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਵਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੋਤਾ ਖੋਤਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਖੋਤਾ ਹੀ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਤੀਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਕੱਟੀਆਂ ਤਹਿਮਤ ਜਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਆ ਗਈ ਨੀ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਰਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੜਤਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਲੱਗਿਆ ਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਵਰਗਾ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਬ੍ਰਿਜਤ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਬ੍ਰਿਜਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਗ ਪਰਚੋਣ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨਮਾ ਦਾ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਂਧਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਅਮਲ ਕਰ, ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸਰਦੋ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ, ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸ ਕਲੰਕ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗੈਰ ਫਲ ਪੰਛੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।